हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको मेट्रोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिसिटी, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले भी आप लोगों ने बायो स्टूडेंट्स ने स्पेशली ये पढ़ा होगा जियोलॉजी के क्लासेस में या जियोलॉजी के लेक्चर्स में, आइसोटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं आइसोटोनिसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके सिलेबस। What is isotonicity? Isotonicity को discuss करने से पहले मैं कुछ terms आपके साथ share करूंगी, क्योंकि अगर वो terms आपको clear होंगी तभी आप इस topic को आगे समझ पाओगे। आप लोगों ने term पढ़ी होगी diffusion और osmosis। Diffusion और नहीं है ये, and osmosis। और उसका तो मतलब कि सेम टर्म्स हो गए ना, नहीं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है? अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, सपोज इस तरह से एक कंटेनर है, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, इफ सॉल्यूशन ए है नो सॉल्यूट, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, या मैं कहूं कि इसमें सिंपल वाटर है, और सॉल्यूशन बी है कोई भी, सपोज सॉल्टेड सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, ये कोई भी सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होगा? और ये हमने दोनों सॉल्यूशंस यहां सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए हुए हैं। दिस इज द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ये यहां पोर्स दिख रहे हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के, दिस इज सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक तो होती है परमीएबल मेम्ब्रेन और एक होती है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। परमीएबल मेम्ब्रेन तो वो होती है जिसमें से सॉल्यूट, सॉल्वेंट सभी पार्टिकल्स पास आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही पास आउट करेंगे। अब अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को मैंने सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट किया हुआ है, एक तरफ आपके पास कोई सॉल्यूट नहीं है, दूसरी तरफ आपके पास सॉल्टेड सॉल्यूशन है कोई भी कंसंट्रेशन का, 1%, 2%, 10%, 50% कोई भी कंसंट्रेशन का, तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल पास फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, बट अगर हमने उस केस में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन यूज की हुई है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के केस में हम हमेशा सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन ही यूज करते हैं। डिफ्यूजन हमेशा परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है और सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमेशा ऑस्मोसिस होती है। क्लियर? अब हमारे इसमें आइसोटोनिसिटी में डिफ्यूजन का कोई रोल नहीं है, ऑस्मोसिस का ही रोल है। अब ऑस्मोसिस क्या है, या एक टर्म और आती है इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कि सॉल्यूशन के अंदर जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, अब इसके अंदर तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें तो आपका लो है क्योंकि इसके अंदर तो सॉल्यूट ही नहीं है,
क्योंकि उसके अंदर आपका सोल्यूट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रोल होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रोल होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज ऑलवेज प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। समझने की कोशिश के लिए इसमें मैंने लिखा क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज प्रिवेंट मतलब ये रोकता है। किस चीज को रोकता है? मूवमेंट। किसके मूवमेंट को रोकता है? ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को रोकेगा। कहां से? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। कि यहां से यहां जो मूवमेंट होगी, यहां से यहां अगर मूवमेंट होना भी चाहेगी सॉल्वेंट की, तो वो मूवमेंट कौन रोक देगा? इसको ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, दो टर्म्स आती हैं हमेशा आइसोटोमिसिटी के केस में, आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइसो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस व्हेन टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सेपरेटेड बाय सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन are called iso osmotic solution। clear hai samajh ki koi bhi do solutions, ye do solutions the aapke paas, solution a tha solution b tha, having same osmotic pressure दोनों तरफ या सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये भी 5% सॉल्यूशन है, ये भी 5% सॉल्यूशन है, या ये भी 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ये भी 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो इन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसो ऑस्मोटिक और आइसोटोनिक
में कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कि आइसोटोनिक क्या है और आइसोस्मोटिक क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, व्हेन टू सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, गंदा लग रहा है सॉरी, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है, व्हेन solutions are
आइसोस्मोटिक बट ऑल आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस आर नॉट आइसोटॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये, इसके ऊपर डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है, डायरेक्ट इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि सभी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आइसोस्मोटिक हैं, लेकिन सभी आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस आइसोटोनिक नहीं है। इसको एक्सप्लेन करिए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इसमें आइसोटोनिसिटी और आइसोस्मोटिक की जो डेफिनेशन है वो बताएंगे, और उसमें आप प्रॉपर डेफिनेशन बताएंगे, उससे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए डेफिनेशन। अब नेक्स्ट जो टर्म्स हैं जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए, मतलब जो टोनिसिटी के लिए जो मेनली इसमें कवर होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ऑन द बेस ऑफ आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी के बेस पे जो कोई भी अगर हमारे पास सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इन दोनों के जो बीच की एक टर्म आती है दैट इज आइसो टॉनिक। अब ये हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है। अब मैं आपको सिंपल सा एक जो हम घर में बहुत बार यूज भी होता है आपके मॉम के किचन में, जब हम किशमिश को या ग्रेप्स को थोड़े देर पानी में डाल के छोड़ देते हैं, किशमिश को या ग्रेप्स को थोड़ी देर पानी में डाल के छोड़ देते हैं, तो उससे क्या हुआ, किशमिश का साइज फूल जाता है, किशमिश का साइज फूल जाता है। यहां सिंपल आपने क्या डाला, यहां आपके पास वाटर है, ठीक है, इसमें आपने ये डाल दी जो श्रिंक से एक किशमिश। थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा, जो ये पूरे फूल के बड़ी गोल गोल सी सुंदर सी दिखने लगती है ना, ऐसे, ठीक है, इस तरह से दिखने लगती है। दूसरा एग्जांपल है कि सेम अगर मैं इस किशमिश को या ग्रेप्स का एग्जांपल लेते हैं, ग्रेप्स पूरे गोल गोल दिखाई देते हैं, ग्रेप्स को मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर डाला, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन समझ रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया, या जैसे बहुत गाढ़ी चाशनी में, शुगर की चाशनी बोलो, उसमें डाल दिया, तो ग्रेप्स का साइज कैसा हो जाएगा, इस तरह से श्रिंक हो जाएगा, इस तरह से श्रिंक हो जाएगा। तो जिसके अंदर साइज फूल गया, स्वेल कर गया, तो इसका मतलब क्या था, वाटर की कंसंट्रेशन यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा थी, यानी सोल्यूट बाहर कम था और सोल्यूट अंदर था, इसलिए उसमें पानी अंदर की तरफ मूव कर दिया,
और इसमें पानी बाहर की तरफ निकल गया, तो वो सॉल्यूशन जिनके अंदर बाहर कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होती है उनको तो हम बोलते हैं हाइपोटोमिक सॉल्यूशन, हाइपोटोमिक सॉल्यूशन। और जिनके अंदर बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उनको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिनकी कंसंट्रेशन सेम होगी उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो सॉल्यूशन हो जाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हुए, द सॉल्यूशन विच विल हैव द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एज कंपेयर टू द इंटरनल ब्लड। हम हमेशा जो भी टॉनिक सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे वो आइसोटोनिक हैं, चाहे वो हाइपरटोनिक हैं, चाहे वो हाइपोटोनिक हैं, उनको हमेशा हमारे ब्लड ब्लड से फ्लूइड से या बॉडी फ्लूइड से या प्लाज्मा से उसको कंपेयर करते हैं। तो जिनकी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होगी सोल्यूट की कंसंट्रेशन वो हाइपरटोनिक होंगे, जिनमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपोटोनिक होंगे, और जिनकी कंसंट्रेशन सेम होगी वो आइसोटोनिक। अब अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं हाइपरटोनिक का, तो हाइपरटोनिक में जैसे अगर आप कह सकते हो 1% जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वो हाइपरटोनिक है, 0.9% जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वो आइसोटोनिक है हमारे बॉडी फ्लूइड से, और 0.5% जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वो हाइपोटोनिक। अब अगर मैं एक आरबीसी सेल को रेड ब्लड सेल को, ये रेड ब्लड सेल मैंने इसके अंदर रखा, रेड ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ा जा रहा है तो ये सेल इस तरह से श्रिंक हो जाएगा। अगर मैंने इसके अंदर रखा रेड ब्लड सेल को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। और अगर मैंने इसके अंदर रखा रेड ब्लड सेल को तो इसमें क्या होगा, रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो स्वेल कर जाएगा। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये भी हार्मफुल है जब वो श्रिंक कर जाएंगी, ये भी हार्मफुल है जब वो स्वेल कर जाएंगी, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की हिमोलिसिस हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमेशा हम जब भी बॉडी के लिए यूज करते हैं डेक्सट्रेस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या कोई भी आईवी इंजेक्शन, तो वो हमारी बॉडी के लिए आइसोटोनिक होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम रीड करेंगे कि हम किसी भी सॉल्यूशन की आइसोटोनिसिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए और साथ में मस्ती करिए। ओके बाय।